बीजेपी के लोगों द्वारा विवादित बयान देने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपशब्द कहा जा रहा है तो कभी गांधी परिवार पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। हाल ही में आई खबर के अनुसार बीजेपी के विधायक ने गांधी परिवार के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो राजनीति में कोई नहीं करता। दरअसल उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी ने गांधी नेहरू परिवार को लेकर बड़ा विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी ने कहा, मोदी की निगाह तो सिर्फ देश पर है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान सिर्फ इसी पर है कि देश कैसे शक्तिशाली बने। नेहरू तो अय्याज था, अंग्रेजों के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया, पूरा खानदान ही अय्याज था। इनका तो राजीव ने शादी इटली में की, इनका काम ऐसा ही रहा है। सैनी के इस बयान का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद इस पर ट्विटर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर यूजर ने सैनी के बयान को निशाने पर लेते हुए उनकी भाषा पर सवाल उठाए हैं। विनोद नाम के एक शख्स ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक मंचों पर बयान देते वक्त सलीके का ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरे व्यक्ति ने उनके बयान को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बताया है। यूपी बीजेपी के नेताओं का गांधी परिवार पर तीखे वार पहली बार नहीं है। सार्वजनिक मंचों से कई बीजेपी विधायक सांसद पहले भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। हालांकि इस बयान पर अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि इससे पहले यूपी बीजेपी के नेता प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री पर सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी नेताओं के विवादित बयान सामने आए थे। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने लोगों का सम्मान करना बंद कर दिया है, इसलिए आजकल गांधी परिवार में चाहे महिला हो या पुरुष, सबके लिए बीजेपी के विधायक अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।